आज मैं विश्व के कुछ ऐसे वाटरफॉल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है और आप इनकी प्राकृतिक सुंदरता को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं इन वाटरफॉल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रोएशिया देश, जहाँ है प्रिडविस फॉल्स। प्रिडविस फॉल्स, प्रिडविस फॉल्स प्रिडविस लेक नेशनल पार्क का हिस्सा है और ये यूरोप कॉन्टिनेंट के क्रोएशिया देश में स्थित है। प्रिडविस लेक नेशनल पार्क क्रोएशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसके बारे में सबसे पहला जिक्र 1777 में मिलता है। और प्रिडविस लेक नेशनल पार्क लगभग 30,000 हेक्टेयर के संरक्षित क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रिडविस लेक नेशनल पार्क, जिसमें वाटरफॉल से जुड़ी तुफा झीलों और गुफाओं की अपनी उत्कृष्ट और सुरम्य श्रृंखला के कारण 1979 में प्रिडविस लेक नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में अंकित किया गया है। प्रिडविस नेशनल पार्क में 16 खूबसूरत लेक्स हैं, जो अपने पल भर में रंगों को बदलने के फिनोमिना की वजह से और भी सुंदर लगती हैं, जिसके कारण लेक्स को ब्लू, ग्रीन, एक्वामरीन और टर्किस कलर में भी देखा जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल लगभग 10,00,000 लोग प्रिडविस फॉल्स और झीलों की खूबसूरती को देखने नेशनल पार्क में आते हैं, और यहाँ के परफेक्ट एटमॉस्फेयर की वजह से ये नेशनल पार्क 120 प्रजातियों के पक्षियों और कुछ वॉल्व्स, बियर, डियर, वाइल्ड कैट, वाइल्ड बोर एंड लिंक्स का घर भी है। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका, नाइग्रा फॉल्स देखने। नाइग्रा फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स का नाम आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा। नाइग्रा फॉल्स कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित 3 फॉल्स का समूह है, जिसमें सबसे बड़े फॉल का नाम हॉर्सशू फॉल है, जिसे कैनेडियन फॉल भी कहा जाता है। बाकी के 2 फॉल्स का नाम है अमेरिकन फॉल और ब्राइडल वेल फॉल। अमेरिकन फॉल और ब्राइडल वेल फॉल कैनेडियन फॉल से लूना आइलैंड और गुड आइलैंड से सेपरेटेड है। नाइग्रा फॉल्स की खोज 1678 में यूरोपियन फ्रेंच प्रीस्ट फादर लुइस हेनेपिन के द्वारा हुई थी। नाइग्रा फॉल्स का फॉर्मेशन नाइग्रा रिवर से होता है। नाइग्रा रिवर लेक आयर से निकलती है और नाइग्रा फॉल्स का पानी लेक ओंटारियो में चला जाता है। नाइग्रा फॉल्स के सबसे बड़े हॉर्सशू फॉल की ऊंचाई 187 फीट और चौड़ाई 2590 फीट है, और अमेरिकन फॉल और ब्राइडल वेल फॉल की ऊंचाई 98 और 69 फीट है। अगर हम नाइग्रा फॉल से 1 सेकंड में गिरने वाले पानी की बात करते हैं तो पूरे साल का औसत फ्लो रेट 85,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड है, जो नॉर्थ अमेरिका का एकमात्र ऐसा झरना है जिससे इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है। इसी वजह से नाइग्रा फॉल्स को वर्ल्ड फास्टेस्ट मूविंग वाटरफॉल भी कहा जाता है। नाइग्रा फॉल्स में हाइड्रो पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जो कि कनाडा और अमेरिका दोनों ही देशों में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करता है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका, इग्वाजू फॉल्स को देखने। इग्वाजू फॉल्स, इग्वाजू फॉल्स इग्वाजू रिवर पर अर्जेंटीना और ब्राजील की बॉर्डर पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो कि 275 फॉल्स से मिलकर बना है और जिसकी ऊंचाई 82 मीटर और चौड़ाई 2700 मीटर है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस वाटरफॉल का हाईएस्ट रिकॉर्डेड फ्लो रेट 1614,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड रहा है। इसका दृश्य इतना मनोरम है कि कई मूवीज़ में इसे फिल्माया भी गया है, जिनमें से कुछ मूवीज़ के नाम हैं टार्जन, इन द हैंड ऑफ द गॉड्स, इंडियाना जोन्स, कैप्टन अमेरिका एक्सेट्रा। इसके सामने विक्टोरिया फॉल्स और नाइग्रा फॉल्स भी छोटे लगते हैं। अगर आपको इग्वाजू फॉल्स का नज़ारा देखना है तो आप इग्वाजू नेशनल पार्क अर्जेंटीना और इग्वाजू नेशनल पार्क ब्राज़ील दोनों से ही इग्वाजू फॉल्स का नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये दोनों नेशनल पार्क 1984 और 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार हो चुके हैं। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका, विक्टोरिया फॉल्स को देखने। विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स साउथर्न अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। विक्टोरिया फॉल्स का ऑफिशियल नेम मोसी ओवा टूनिया है और इसके नाम का मतलब ही इसकी विशेषता दर्शाता है, जिसका मतलब थंडरिंग स्मोक है। विक्टोरिया फॉल्स की खूबसूरती तो देखते ही बनती है और ये विश्व के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से भी एक है, जिसकी चौड़ाई 1708 मीटर और ऊंचाई 108 मीटर है। विक्टोरिया फॉल्स हाइट और विड्थ
दोनों में ही नॉर्थ अमेरिका के नाइग्रा फॉल्स से दुगना बड़ा है। लगभग 33,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड एवरेज पानी हर सेकंड वाटरफॉल से गिरता है। विक्टोरिया वाटरफॉल इतना विशाल है कि इसकी आवाज़ 40 किलोमीटर दूर से भी सुनाई देती है। विक्टोरिया फॉल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में 1989 में ही शुमार हो चुका है। इसकी खोज 1855 में हुई और इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों कंट्रीज में विक्टोरिया फॉल्स की साइट पर नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं, जो कि टूरिस्ट के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें।